एजुकेशन ऑफ हंदवाड़ा टाउन है, इस हवाले से जानना। जी, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो हंदवाड़ा की हमारी, उनका प्रोग्राम है हमारा ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन हंदवाड़ा के लिए। तो ब्यूटिफिकेशन हमारा जो है 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसका अलॉटेड कॉस्ट जो है 146 है। तो हमने ये प्रोजेक्ट जो अभी हैंड में लिया है, हमारे जो 12 से 15 दिन हमें हो गए इस काम में लगे हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है काम 60% ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। एंड वी आर होपफुल कि जो हमारा टोटल का काम जो है वो 2 महीनों के अंदर अंदर में पूरा मुकम्मल हो जाएगा। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, इसमें जो फर्स्ट फेज़ में हम हंदवाड़ा के जो लेंस और ड्रेन्स का प्रोग्राम जो है वो ले रहे हैं। लेंस तो आपने देख भी लिया होगा बाहर, तो वो ऑलमोस्ट 60% लेंस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो लेंस के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जो हमारी जो लेंस जो हैं वो संकन हो गई थी, तो दिखाई नहीं दे रही थी हंदवाड़ा में कहीं भी लेंस हैं। तो बेसिकली ये इनको बनाए हुए हमें बहुत सारे साल हो चुके हैं, 15-16 साल पहले बनी हुई हैं। कहीं कहीं रेक्टिफिकेशन बीच बीच में होता रहा है, लेकिन आज की डेट में ये आउटडेटेड हो चुकी थी। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने एक प्लान लिया है ब्यूटिफिकेशन ऑफ हंदवाड़ा टाउन के लिए। तो इसमें हमारे जो लेंस हैं इनको हम अपग्रेड कर रहे हैं, और इनको हम जो है टाइलिंग कर रहे हैं, और इनके साथ साथ में इनके स्ट्रीट लाइट्स लगा रहे हैं, और ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स बना रहे हैं, और हमारा जो है चौक, जो हंदवाड़ा का चौक है मेन चौक, उसको हम डेवलप कर रहे हैं, और उसके साथ साथ में जो पुराना अड्डा है उसको सेकंड फेज में हम डेवलप कर रहे हैं। जो स्टेप इन्होंने उठाया है ये हम सब दुकानदारों के लिए ठीक है, इससे सिटी की रौनक बढ़ती है। बहुत बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा काम किया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ पे जो भी कदम उठाया है बहुत अच्छा कदम उठाया है, इससे रौनक आएगी। चलने फिरने में एक दिक्कत होती थी, लोग चल नहीं पाते थे, वो अच्छे से अब चल पा रहे हैं ठीक, इससे मतलब बहुत आसानी हो जाएगी, लोग सड़कों पर नहीं, एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे जिस तरह से ये काम हो रहा है।